लॉकडाउन के तीसरे चरण में आमजन को कुछ छूट दी गई है, जिसमें आज से शराब की दुकानों को खोलकर बिक्री शुरू कर दी गई है। शराब खरीदने के लिए भारी मात्रा में दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। झांसी में आकर जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों को खोलने के लिए हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद आज सुबह 10 बजे से ही दुकानों के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह एक निश्चित दूरी बनाकर ग्राहक धूप में भी भीड़ में खड़े होकर शराब खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नगर की लगभग हर दुकान पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। नगर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र, सीपरी, आवास विकास, नंदनपुरा, जेल चौराहा, एलाइट पर लंबी लाइन होने की वजह से लोगों को घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इस मौके पर किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस लगातार दुकानों पर गश्त करती नजर आई। साथ ही पुलिस कर्मियों को दुकानों के बाहर ड्यूटी पर लगाया गया था, जिससे सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन न हो। इसके अलावा दुकानदारों को एक ग्राहक को सीमित मात्रा में शराब बेचने को कहा गया है। प्रति व्यक्ति एक या दो बोतलें ही खरीद कर अपने घर ले जा सकता था। फिलहाल जो लोग शराब पाकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनके चेहरे पर विजय वाली मुस्कान देखने को मिल रही थी। वहीं दोपहर होते होते दुकानों का लगभग सारा स्टॉक समाप्ति की ओर था। झांसी से ब्रजेश परिहार और राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।